कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पेपर है वो आपके यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा, और पूरा पेपर आपका यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपके यहाँ फुल सोल्यूशन सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, और जो आपके यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024 आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर है। मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, और आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है वो 210 रहेगा आपका यहाँ पर फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो फाइनली चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर भौतिक सारे पेपर वो देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो पहला आपका आता है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है एफ बराबर ई बटे में क्यू, और बा आता है एफ बराबर क्यू बटे में ई, और सा आता है एफ बराबर क्यू इंटू ई, और दा आता है एफ बराबर ई माइनस क्यू। तो जो आपके यहाँ पर दिया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले करेगा सा करेक्ट आंसर एफ बराबर क्यू इंटू ई। अब आता है आपके यहाँ पर दूसरा, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश, और बात आवेश व्यवहार दोनों, और साथ व्यवहार और दाता ना आवेश तथा ना, ठीक है, ना व्यवहार तथा ना आवेश। तो जो आपके यहाँ पर दिए दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विभव। अब आता है आपके यहाँ पर तीसरा, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो जो आपका यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है वो है आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डीसी मोटर और एसी जनरेटर, और साथ ही ट्रांसफार्मर, और दाता चौक कुंडली। तो जो आपके यहाँ पर दिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसी जनरेटर। अब आता आपका पांचवा, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि धनावेश होने के कारण, बात नाभिक से टकराने के कारण, और साथ ऋणावेश होने के कारण, और दाता भारी होने के कारण। तो जो आपके यहाँ पांचवें का आंसर, पांचवें का आंसर आपको बताना, ठीक है। इसका आंसर, पांचवें का आंसर हमें पता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना नहीं चाहते, हम यहाँ पर जाना चाहते कौन से स्टूडेंट पढ़ते कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तो सभी को यहाँ पांचवें का आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है, सभी स्टूडेंट को पांचवी का आंसर लिखना कमेंट में। अब छठवां आता, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, चाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा, आवृत्ति। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प थे वो हमने करा दिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा, और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको आंसर को यहाँ पर टिक कर लेना, राइट आंसर को, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से, और आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न दो आता है, रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, ठीक है, रेड बार निशांक आर कमांड डोंटो होता है, तो जो आपका इसका मान होता है वो होता है आपका अनंत, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका अनंत हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, ठीक है, सॉरी, आपका जो यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, सॉरी, वो आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया डेडबर्ग निशंक आर कमांड डोंटो होता है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका 1.09710^10^7 मीटर एनवास, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, क्रचो आपका प्रथम नियम की डोंट सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर क्रचो आपका प्रथम नियम के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर आवेश संरक्षण, ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका आवेश संरक्षण रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए क्रचो का प्रथम नियम के आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स आपके तीसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, दूर संचार के लिए डोंडो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों, ठीक है, यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है।
अब आता आपका पांचवा फोटोन का ब्रह्मद्रव्यमान डोडो होता है, तो यहाँ फोटोन का ब्रह्मद्रव्यमान होता है आपका शून्य। ठीक है, तो पांचवें का उत्तर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका शून्य। अब आता आपका छठवां, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक तत्व के रेखिल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या डोडो होती है। तो यहाँ प्रत्येक तत्व के रेखिल स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या, ठीक है, जो आपका यहाँ पर छठवां रिक्त स्थान है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना। ठीक है, तो अच्छा में रिक्त स्थान का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं फरिंदा बिलंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर पहला आता, दूसरा सी, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और आपके यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, पाँचवा, छठवां। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, अब चलिए आपके आती हैं प्रश्न तीन, सही जोड़ी बनाइए, छः नंबर की आती हैं। स्तंभ और अवयव में देखिए सही जोड़ी पहले आती है इलेक्ट्रॉन बोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा का मात्रक, जो आपका इलेक्ट्रॉन बोल्ट है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है। पहली आपके इलेक्ट्रॉन आपको ऊर्जा का मात्रक से मैच करना, फिर दूसरी आती है डायनामो, तो डायनामो को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती है लेंस की क्षमता, तो इसे आपको पी बराबर वन बटे में एफ मीटर, ठीक है, इससे मैच करना, ये आपकी तीसरी जाएगी। जो चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसका आपको यहाँ पर सूक्ष्म जो सॉरी जो आपको यहाँ पर दिया लाल रंग का प्रकाश जो चौथी है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर कांच में अधिकतम चाल, ठीक है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो पांचवी आती है अवरक्त किरण है, तो इसे आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच करना, ये आपकी पांचवी जाएगी। जो आपकी छठवीं थी सिलिकॉन, तो इसे आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए आपके यहाँ पर आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए आपके पांच नंबर के आते हैं। फिर आता जब परिपथ के सदे सात सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ता है, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिए षष्ठ जो आपके आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए पांच नंबर के आते हैं। पहला आता है षष्ठ परिपथ के साथ सदस्य श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियाँ, ठीक है, दोहरे तार की बनाई जाती हैं ताकि सौ प्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो जो आपका दूसरे का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। जो तीसरा था विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो चौथा आपका आता है विक्षेपण क्षमता का मान क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो पाँचवा असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा असत्य, ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। और साथ ही आप देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है और ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, अब आते हैं आपके इस वाक्य में उत्तर दीजिए पाँच नंबर के आते हैं। पहला आता धातु का पराविद्युतांक लिखिए, तो आपका धातु का पराविद्युतांक होता है आपका अनंत, ठीक है, अनंत होता है। फिर आपका आता ट्रांसफार्मर की करोड प्रचलित क्यों बनाई जाती है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का उत्तर है आपका भ्रमर धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। ठीक है, आपका दूसरे का उत्तर है भ्रमर धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। और पहले को उत्तर हमने आपको बता दिया, पहले को उत्तर आपका अनंत रहेगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है आपका शून्य। ठीक है, तो शून्य आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का उत्तर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका जो चौथा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका चौथे का उत्तर रहेगा आपका ई बराबर एच सी बटे में लैम्डा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संबंध हो जाता है आवृत्ति विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध। जो आपका आता अन्य अनुप्रेरण का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर भी आपको खुद करना। ठीक है, आपको पांचवें का उत्तर सभी को कमेंट में लिखना। जो आपका पांचवा जो आपका यहाँ पर दिया अन्य अनुप्रेरण का एक उदाहरण लिख दीजिए, तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना, जो भी इसका सही आंसर देगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर कमेंट में जो भी इसका आंसर सही लिखेगा उसको हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको लाइक भी दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पांचवें का आंसर कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न छः, समवयपृष्ठ किसे कहते हैं और अथवा था चुंबकीय प्लक्स क्या, इसका ऐसे मात्र लिखिए। आपके दो अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता ओम का नियम लिखिए, अथवा था मोटा गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। फिर आपका आता आठवां क्वेश्चन एम पी ए का परिपथ ही नियम लिखिए, अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। फिर आपको प्रश्न नौ आता स्व प्रेरणा और अन्य प्रेरणा में कुछ दो अंतर लिखिए, अथवा आता प्रत्येक धारा और दस धारा में दो अंतर लिखिए। दो दो अंक के क्वेश्चन हो रहे, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका दसवां आता व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए, अथवा आता प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। फिर आपका आता ग्यारहवां व्यस्तावन धारा किसे कहते हैं, अथवा आता साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता क्यों। फिर आपका बारहवां प्रश्न आता रदरफोर्ड मॉडल
से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता अथवा था टॉमसन परमाणु मॉडल की दोष लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप इनके स्क्रीन शॉट लगाइए फटाक से। फिर तीन माता किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है अथवा था क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। फिर आपका चौदह माता किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो अथवा था समानता क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपके तीन अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। पंद्रह माता केशव के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका सोलह माता किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना आपका तीन अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसका अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर सत्रहवां क्वेश्चन था प्राथमिक एवं द्वितीयक इंधन में चार अंतर लिखिए अथवा था हाइड्रोजन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर आपका अठारहवां था एन ए एन डी गेट की सहायता से ओ आर था ए एन डी गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता स्पष्ट कीजिए। ये आपका चार अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका अथवा था पी एन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में समझाइए। फिर आपको उन्नीसवां था स्वप्रेरण क्या, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरित का व्यंजक निर्मित कीजिए अथवा था किसी प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपका बीसवां था गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए अथवा था ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिनिर्माण अनुपात का सूत्र ऊर्जा सहायकीकरण तथा उन्हें कम करने के उपाय। तो फाइनली जो आपका पूरा पेपर बुक कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरा पे हमने कंप्लीट करा दिया और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में हम अपलोड करा देंगे। ठीक है, सोल्यूशन और साथ ही आपका नेक्स्ट वीडियो भी अभी आएगा। और आप यहाँ पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का पीडीएफ सभी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी पीडीएफ यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।